रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यमी फूड सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे जी। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही मज़े की और यकीनन वर्ल्ड फेमस होगी और ये पूरे वर्ल्ड में सबकी फेवरेट डिश होगी। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल बम्बई बिरयानी। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो आपको बता देते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी टिप्स होंगी जो मैं अंदर आपको बताऊँगी इस डिश से रिलेटेड, तो ताकि आपसे कोई भी टिप मिस ना हो तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि तमाम नई आने वाली रेसिपीज आपको मिल सकें। तो जी हम इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। अब इसके लिए हमें चाहिए होंगे सबसे पहले ये 1/2 kg हमने राइस ले लिए हैं, इनको 1 घंटा हमने भिगो लिया। ये देख सकते हैं आप अच्छे से फूल गए हैं चावल। 2 कप्स भी मैयर कर सकते हैं आप, जो मैं मैयरिंग कप से मैं करती हूँ। और हमें प्याज चाहिए, ये 3 प्याज ले लिए हैं मैंने दरमियाने साइज़ के, इस तरह स्लाइस में कट कर लिया है। लहसुन अदरक हमने 1 टीस्पून दोनों चीज़ें लिया और इसको कूट लिया अच्छे से। 1 kg चिकन लिया है, 1/2 kg टमाटोज लिए हैं जी। इस बिरयानी में टमाटोज जो हैं वो ज़्यादा डलते हैं जो मेरी रेसिपी है उसके मुताबिक, और इससे बिल्कुल मीठी नहीं होगी बिरयानी, बहुत ही मज़े का टेस्ट आने वाला है। और ये हमने 1/2 गठी पुदीने की ले लिया, इस तरह उसके पत्ते उतार लिए हैं। और 3 अदद ये हरी मिर्चें चाहिए होंगी। और ये 1 बिरयानी मसाले का पैकेट ले लिया, ये कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, इजीली मिल जाता है हर शॉप से। इससे ये फ़ायदा होने वाला है आपको कि बहुत सारे मसाले ढूंढ के आपको डालने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे 1 पैकेट खोला और बिरयानी बना ली। और ये 1/2 कप जो है मुझे योगर्ट चाहिए, ये सॉल्ट मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, और ये ज़रदा रंग है थोड़ा सा 1/2 टीस्पून। तो इस रेसिपी के 2 स्टेप्स होंगे। तो स्टेप 1 में हम राइस को बॉयल करेंगे, तो और ये पानी चाहिए होगा बॉयल के लिए और ऑयल चाहिए होगा बिरयानी को बनाने के लिए। तो अब सबसे पहले हम पतीली में पानी डालते हैं। हमने चूल्हा जला लिया पतीली के नीचे, अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये खुले पानी में हम चावल बॉयल करेंगे। 2 कप्स हमारे चावल हैं 500 ग्राम्स, और आप इसमें 6 कप पानी डाल के चावलों को अच्छे से बॉयल कर लीजिएगा जी। तो आप देख सकते हैं ये फुल फ्लेम हमने ऑन किया हुआ था, बबल्स उठना स्टार्ट हो गए हैं पानी के। इस स्टेज पे हम फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे। इसमें हम ये सॉल्ट ऐड करेंगे। चावल बॉयल करते वक्त नमक लाजमी डालिएगा, नहीं तो चावलों का जो टेस्ट है वो इन्हेंस नहीं होगा, फीकी फीकी सी बिरयानी लगेगी। तो इस स्टेज पे नमक ज़रूर डालना है, और इसकी एक टिप है जिससे चावल खिले खिले बनेंगे जी। तो इसमें ये हम 1 टेबलस्पून विनीगर डालेंगे, इससे हमारे चावल कभी भी जुड़ेंगे नहीं। और ये हल्का हल्का पानी स्टार्ट हो गया पकना, इस स्टेज पे हम अपने चावल इसमें डाल देंगे, उसका सारा पानी गिराकर जिसमें हमने भिगोए थे चावल वो पानी गिराकर चावलों को इसमें डालेंगे जी। ये हमने चावल इसमें डाल दिए हैं, अब इसको स्पून की मदद से इस तरह हिला लेंगे ताकि सारे चावलों का टेम्परेचर एक जैसा रहे। और फ्लेम को हमने मीडियम रखना है, बहुत हाई नहीं करना, अच्छे तरीके से पकाते हुए चावलों को नहीं बॉयल करना, मीडियम फ्लेम पे ही आराम से बॉयल होंगे तो चावल जो हैं बड़े अच्छे बॉयल होंगे। अगर तेज़ फ्लेम पे हम करेंगे तो चावल जो हैं वो टूट जाते हैं अंदर से, ऊपर की लेयर उसकी जल्दी पक जाती है, अंदर से कच्चे रहते हैं और फिर वो हमारे चावल टूट जाते हैं। तो हमने इसको मीडियम फ्लेम पे 5-7 मिनट के लिए बॉयल कर लेना है राइस को, और 80% कुक करना है, 20% कुक नहीं करेंगे जी। तो हमारे राइस अच्छे से जो हैं 80% तक कुक हो गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस स्टेज पे हम इनको छान लेंगे। आप किसी भी स्ट्रेनर की मदद से इसको छान सकते हैं या बारीक सुराख वाली कोई टोकरी इस्तेमाल करके, और इसका ये जो पानी है हम वो गिरा देंगे जी। तो ये इसका स्टेप 2 है जिसमें हम मसाला बनाएंगे बिरयानी का। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे, 1/2 कप ऑयल ले लिया हमने। अब हम इसमें ये प्याज ऐड कर देंगे,
मीडियम आंच पे इसको हम सॉफ्ट कर लेंगे प्याज को। इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना, मतलब कि हमने इसको गोल्डन या ब्राउन नहीं करना, बट इसका सॉफ्ट सा पिंक कलर आ जाएगा, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी सारी प्याज जी। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप अगर आप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी भी बिरयानी बहुत ही अच्छी बनेगी। सबसे पहले आप इसी तरह राइस को बॉईल करके एक साइड पे रख दीजिएगा और बीच बीच में उसको ज़रा हिला दीजिएगा, क्योंकि उसमें से भाप निकलती है, उसकी वजह से नीचे वाले चावल जो हैं वो जुड़ सकते हैं, तो इसलिए उसको बीच बीच में हिलाते रहिएगा और अपना इधर मसाला भी तैयार करते रहिएगा जी। तो ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गई है, आपने फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो प्याज गोल्डन हो जाएगी जी। तो आप देख सकते हैं हमारे प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, ये जितने मैंने डाले थे उससे आधी हो गई है इसकी क्वांटिटी, आप देख रहे होंगे। और इसको मुसलसल चलाते हुए ऐसे ही करेंगे, हमें इसी तरह के प्याज चाहिए, पिंक कलर के हो गए हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें ये अपना लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने तकरीबन 7-8 मिनट के लिए फ्राई किया इसी तरह मुसलसल हिलाते हुए। अब 2 मिनट हम ये लहसुन भी फ्राई कर लेंगे ऑयल में, लहसुन अदरक जी। तो ये आप देख सकते हैं हमने 2 मिनट तक इसको फ्राई किया है लहसुन अदरक को प्याज़ों के साथ, तो ये हल्का सा खूबसूरत सा बिल्कुल लाइट सा कलर आ गया है इसमें। इस स्टेज पे हम अपना ये बिरयानी मसाला डाल देंगे जो कि मैंने आपको बताया था, वो मैंने रेडीमेड जो मिलता है पैकेट वाला वो इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसका फ़ायदा ये है कि हमें बहुत सारे मसाले और कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ इससे डाल के आप बनाएं, देखें आपकी बिरयानी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब इसको हिला लेंगे 1-2 मिनट के लिए और फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे। तो हमने मसाले को 1 मिनट तक यूँ भून लिया ऑयल में और फ्लेम जो है मीडियम टू लो ही है। ये जो हमने टमाटर चॉप किए हुए थे 1/2 kg टमाटर हैं इसमें, और इसमें टमाटर ज़्यादा ही जाते हैं जो मैं बिरयानी बनाती हूँ अपने घर में उसमें, लेकिन ये इससे बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है जी। तो हमने अच्छे तरीके से टमाटरों को मसाले में मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज पे हम लो फ्लेम कर देंगे और इसको 7-8 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं अच्छे से, और फिर आपको दिखाते हैं जी। तो इसको हमें 7-8 मिनट हमने इसको लो फ्लेम पे ढक दिया था, आप देख सकते हैं अब ये टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है। इस स्टेज पे हम इन टमाटरों को हम अब मैश करेंगे, ये मैशर की मदद से अच्छे से पेस्ट बना लेंगे जी। तो हमने टमाटरों का पेस्ट अच्छे तरीके से बना लिया जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इनको अच्छे तरीके से मसाले को भून लेंगे, ऑयल अलग कर लेंगे जी। तो इस तरह मुसलसल हिलाते हुए इसका पानी खुश कर लेंगे, अगर इसको छोड़ के चले गए तो ये नीचे लग जाएगी जी। हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, आप देख सकते हैं ऑयल निकल आया है और पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। इस स्टेज पे हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे, एक जिसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे, और फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई है। और फिर अब हम इसमें ये दही ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे तमाम चीज़ों को। हमने चिकन जो है वो 1 kg लिया है, आप चिकन की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा चिकन पसंद नहीं है, तो हमें थोड़ा बिरयानी में ज़्यादा चिकन अच्छा लगता है, तो इसलिए हमने 1/2 kg राइस में 1 kg चिकन लिया। अब हम इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए ढककर चिकन को गला लेंगे अच्छे से जी। तो आप देख सकते हैं ये चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन ने भी अपना पानी छोड़ दिया और दही ने भी। इस स्टेज पे हम मीडियम टू हाई फ्लेम कर देंगे और इसका सारा पानी हम ड्राई कर लेंगे जी। तो आप देख सकते हैं ये इसका पानी सारा हमने ड्राई कर लिया है चिकन का। इस स्टेज पे हम इसमें अब ये हरी मिर्चें और पुदीना डाल देंगे और इसको मज़ीद 2 मिनट तक भून लेंगे जी। तो हमारा चिकन भुन के बिल्कुल रेडी है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑयल निकल आया है। इस स्टेज पे हम ये अपना चिकन जो है एक बॉल में निकालेंगे, ये हमने चिकन बॉल में निकाल लिया है। और अब हम ये 2 tablespoons हमने मिल्क लिया है, ये जो हमने जर्दा रंग 1/2 teaspoon लिया था ये इसमें डालेंगे और इसको इसमें अच्छे से मिला लेंगे।
दूध में जरदारन मिला के अगर आप चावलों पे डालेंगे तो बहुत अच्छा कलर आएगा राइस का। जी तो हमने ये चिकन निकाल लिया था कढ़ाई में से, अब इसमें हम हाफ राइस डाल देंगे जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे। इस तरह इनको फैला लेंगे कढ़ाई के नीचे वाले हिस्से पे, और अब आप अपना ऊपर चिकन डाल देंगे। ये हमने चिकन भी डाल दिया इसमें, और अब ये बाकी के राइस हम इसके ऊपर डाल देंगे सारे। ये ऊपर हमने चावलों की लेयर बना दी है अब इसके ऊपर इस तरह। अब इसके ऊपर हम ये जो हमने जरदा रंग का बैटर बनाया था वो डाल देंगे, और ये हमने नीचे तवा रखा हुआ है इसको भी गर्म कर लिया है। और अब लो फ्लेम पे हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। लें जी हमारी स्पेशल बम्बई बिरयानी रेडी हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रही है देखने में, बहुत ही मज़े की बन के रेडी हुई है। इसी तरह रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अगर आप लोग बनाएंगे तो आपकी भी बम्बई बिरयानी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, इसी तरह बनाएं, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।